Hello students, today I am going to explain you Unit 4, Section C, The Sense of D. Now about the poem, Charles Kingsley, July 12, 1819 to January 23, 1875. That is his birth and death time. Was an English novelist. Charles Kingsley was an English novelist who wrote poetry and political articles, as well as several volume of sermons. As a novelist, his chief power lay in his descriptive skill. Charles Kingsley is a English writer who was born in 12 July 1819, and his death time is his departure to here time is January 23, 1875. He was a great novelist. Kingsley wrote poetry. He wrote poetry and political articles, as well as several volumes of sermons. Sermons is a kind of speech on moral and mythology speeches. Kingsley जो हैं वो born पैदा हुए थे 12 जुलाई 1819 को, और उनकी death हुई थी 23 जनवरी 1875 में. वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी थी, पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखे थे, एंड बहुत सारे वॉल्यूम्स थे. सर्मन्स कहते हैं जैसे स्पीच होती है, स्पीचेस ऑन जो धार्मिक स्पीचेज या मोरल वैल्यू से रिलेटेड स्पीचेज होती है, वैसे ही उन्होंने बहुत सारी स्पीचेज लिए थे एज ए नॉवलिस्ट. और एज ए नॉवलिस्ट उनका जो मेन उनकी जो इस पावर थी, कमांड थी, वो किस क्या थी, वो था डिस्क्रिप्टिव स्किल्स. उनके जो डिस्क्रिप्टिव मतलब उनके वर्णन करने के, डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है किसी चीज़ को विस्तार से बताना, तो उसको बताने की जो इसकी इनकी स्किल थी वो बहुत अच्छी थी. ही पब्लिश सेवरल नॉवेल्स अबाउट सोशल प्रॉब्लम बिफोर राइटिंग अ वेरी सक्सेसफुल हिस्टोरिकल नॉवेल. उन्होंने बहुत सारी पब्लिश किए थे, बहुत सारी नॉवेल्स लिखी थी जो कि सोशल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड थी. कब लिखी थी? बिफोर हिस्टोरिकल, एज वेल एज ही राइट द हिस्टोरिकल नॉवेल्स. उन्होंने कुछ ऐतिहासिक या इतिहास से रिलेटेड नॉवेल्स भी लिखी थी. नाउ कम टू द पोएम, अबाउट द पोएम. द सेंस ऑफ दी इज अ पोएम अबाउट अ गर्ल कॉल्ड मैरी हु गोज टू फाइंड आउट हर कैटल्स एंड गोज लॉस्ट इन गेट्स लॉस्ट इन द फॉग. सेंस ऑफ दी इज एक पोएम है एक लड़की के बारे में, गर्ल्स हुज नेम इज मैरी, एंड ही शी वेंट टू फाइंड आउट हिज कैटल एंड वॉट द हैपन ही शी वेंट टू फाइंड आउट हिज कैटल ऑन द स्ट्रोम इन द स्ट्रोम एंड वॉट द थिंग ही लॉस्ट हरसेल्फ इन द फॉग. सी नेवर कम्स नेवर रिटर्न्स. इनफैक्ट शी इज फाउंड ड्रॉन्ड एंड इज कॉट इन द सैल्मन्स नेट. सेंस ऑफ डी एक पोयम है जो कि किस पे बेस है, एक लड़की जिसका नाम मैरी है, वो जो कि जाती है क्या करने के लिए, अपने जो कैटल्स होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको ढूंढने के लिए, और वो खुद ही वो उनको ढूंढने के बजाय वो खुद ही खो जाती. फॉक्स मीन्स होता है अ काइंड ऑफ मतलब कोहरे को कहते हैं, ठीक है, तो वो उसमें खो जाती है. सी नेवर रिटर्न, और कभी भी वापस नहीं आती है. इनफैक्ट सी इज फाउंड ड्रॉन्ड, और यह क्या होता है, वो पाई जाती है. ड्रॉन्ड मीन्स वो डूबी हुई मिलती है लोगों को, वो डूब जाती है पानी में, और उसकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ मिलती है, सैल्मन्स नेट, मतलब डिफरेंट सैल्मन्स नेट में से पर्सन हु कॉट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ फिशेस. सो वो कहाँ मिलती है, एक सैल्मन्स के नेट में, जो मछलियों के पकड़ने वाले जाल में उसकी डेड बॉडी मिलती है.
ओ मैरी गो एंड कॉल हिज कॉल द कैटल होम एंड कॉल द कैटल होम एंड कॉल द कैटल होम अक्रॉस द सेंड ऑफ डी द वेस्टर्न विंड वॉज वाइल्ड एंड ड्रैंक विथ फोम एंड ऑल अलोन वेंट शी ओ मैरी. इन दिस पोएम पोएट एक्सप्रेस सेड एम्फसाइज द वर्ड ओ मैरी गो एंड कॉल द कैटल होम एंड कॉल द कैटल होम ही हु ही द राइटर द पोएट एम्फसाइज दिस थिंग टू कॉल द कैटल होम वेयर अक्रॉस द सेंड ऑफ दी. क्रॉस द सेंड्स ऑफ दी मीन्स बाहर जो सेंड्स ऑफ तूफान है या उसमें उसमें से अपने कैटल्स को बुलाकर लाओ. द वेस्टर्न विंड वॉज वाइल्ड एंड द विंड दैट इज कौन इन अ वेस्टर्न विंड दैट इज वाइल्ड एंड ड्रैंक विथ फोम. ड्रैंक विथ फोम मीन्स जो पानी के साथ में मिलकर जब बहुत तेज पानी बरसता है तो क्या होता है बबल्स उठने लगते हैं अ काइंड ऑफ बबल्स. एंड वेस्टर्न विंड जो वेस्टर्न से उड़ने चलने वाली विंड है वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड बहुत ही ज़्यादा उग्र हो चुकी है एंड ड्रैंक विद द फॉर्म. और पानी जो बरस रहा है वो मॉइस्चर से इतना भरा हुआ है कि उस मॉइस्चर के कारण बहुत ही ज़्यादा बबल्स और फॉग सा बन गया हुआ है और बबल्स बने हुए हैं बुलबुले उठ रहे हैं. एंड ऑल द अलोन वेंट शी और वो जो मैरी रहती है वो अकेले ही अपने कैटल्स को ढूंढने निकल पड़ती है किसी कोई भी उसके साथ नहीं होता. द वेस्टर्न टाइड क्रैप्ट अप अलोंग द सैंड एंड एंड ओ अर एंड ओ अर द सैंड एंड राउंड द सैंड एज फार एज आई आई कुड शी द रोलिंग मिस्ट केम डाउन द हाई हिट द लैंड एंड नेवर होम केम शी. वेस्टर्न ट्राइब मीन्स जो वेव्स होती हैं सी में जो वेव्स वेव्स उठती हैं दैट इज वेस्टर्न में जो वेस्टर्न वेस्ट साइड से उठने वाली वेव्स हैं कैप द अलोंग द सेंड एंड इट्स कम्स टू द शोर ऑफ द सी वेयर द सेंड एंड ओ अर. और जो वेस्टर्न विंड है टाइड अप वो क्या हो रही है वो वेस्टर्न विंड से जो वेव्स उठ रही है वो क्रैप्ट उन्होंने पकड़ रखा है या वो आ गई है अलोंग द सेंड मतलब जहाँ पे वो ग्राउंड है जमीन है मिट्टी है वहाँ तक वो पहुँच चुकी हैं सी के किनारे समुद्र के किनारे. एंड रॉर और वो कैसे उठ रही है रॉर आवाज आ रही है रॉर रॉर की एंड राउंड और इसके कारण जो सेंड है वो कहाँ राउंड एंड राउंड वो गोल गोल घूमती जा रही है. एंड राउंड मतलब उसके इतनी तेज से स्ट्रॉम है स्ट्रॉम के कारण जो हवा है वो गोल गोल घूम रही है उसके साथ साथ मिट्टी भी घूमती जा रही है. एज फॉर आइज कुड सी जहाँ जहाँ तक दूर तक दिखाई पड़ रहा है वहाँ वहाँ तक केवल रोलिंग मिस्ट केम तो वही पानी और जो सेंड है वो घूमती हुई नजर आ रही है. एक बहुत ही तेज तूफान सा आया हुआ है. मिस्ट मीन्स टू रेन वेरी फाइन ड्रॉप ऑफ ड्रिजलिंग मतलब केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है पानी की बूंदों के कारण कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है केवल पानी की घूमती हुई या पानी गोल गोल घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है. एंड लीव होम केम शी और वो कभी भी जो एंड नेवर नेवर होम केम शी और वो कभी भी घर वापस नहीं लौटती है मतलब उसी पानी में वो क्या होता है डूब जाती है. ओ इज इट वेड और फिश और फ्लोटिंग हेयर अ ट्रेस ऑफ गोल्डन हेयर ड्रॉन मैडन्स हेयर एवव द नेट एट द सी. ओ इट्स वेड वेड मीन्स होता है कि गुच्छा एक तरह से और फिश कहते हैं कि क्या ये गुच्छा है या फिश है क्या चीज़ है जो फ्लोटिंग हेयर मीन्स बाल
टाइप का जो फ्लोटिंग गुच्छा है वो बह रहा है गोल्डन हेयर का, एंड ड्रॉन द मैडन, एंड ड्रॉन द मैडन, मैडन मीन्स गर्ल हु अनमैरिड गर्ल इज कॉल्ड मैडन, एंड ट्रेस द गोल्डन हेयर. और वहाँ पर उनको क्या मिलता है, मतलब जब सलमन के वो नेट में पक उसको पक आती है, तो वो लोग सोचते हैं कि ये सब क्या है, ये फ्लोटिंग हेयर, मतलब ये दूर से ऐसे दिख रहा है कि ये बाल बहते हुए गोल्डन हेयर्स हैं, गुच्छा है बालों का. और वो ड्रॉन और डूबी हुई एक लड़की उन्हें मिलती है, अनमैरिड लड़की के बाल होते हैं. एवव द नेट एट द सीट, जब वो नेट को ऊपर उठाया जाता है तब उनको पता चलता है कि ये लड़की है जो डूब गई है, उसमें उनको दिखाई पड़ती है. वॉज नेवर सलमन येट द सोन सो फार. और इसके बाद जो सलमन वहाँ पे जो नाविक रहते वो जो उन्होंने कभी दूर दूर तक वो दिखाई नहीं पड़ती. एमंग द स्टेक ऑफ द डीप, स्टेक मीन्स स्टेक कहते हैं एक लकड़ी की बनी हुई, वुड की बनी हुई डी, उसके किनारे किनारे उनको वो कभी भी उस लड़की को देख नहीं पाते, केवल उस लड़की की डेड बॉडी ही मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता है. द रोर हर इन अक्रॉस द रोलिंग फॉर्म, द रोर हर इन अक्रॉस द रोलिंग फॉर्म, द कर्ल क्रॉलिंग फॉर्म, क्रूएल क्रॉलिंग फॉर्म, द क्रूएल हंग्री फॉर्म. और वो कहते हैं कि उस लड़की को उन्होंने वो जो क्रूएल मीन्स क्रूर, जो क्रॉलिंग मीन्स जो फॉर्म रहते हैं, पानी की बूंदे रहती है, भंवर रहता है, उसने उसने उसको खा लिया, मतलब डुबो दिया. द क्रूएल हंग्री फॉर्म, और जो फॉर्म है क्रूएल क्रूर, उस हंग्री जो भूखा था उसने उस लड़की को अपने अंदर संभाल लिया. द ग्रेव टू हर ग्रेव बिसाइड द सी, और उसकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ मिलती है, नदी के किनारे, वो उस समुद्र के, सॉरी समुद्र के किनारे मिलती है. मतलब एज यू नो कि जो समुद्र होता है वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर नहीं रखता है, वो लास्ट में, मतलब कोई चीज़ डूबती भी है तो वो लास्ट में वो किनारे पर ला कर छोड़ देता है. ऐसे ही वो उसकी जो डेड बॉडी होती है वो समुद्र के किनारे मिलती है जब वो निकाला जाता है उसे नेट में. बट स्टिल द बोटमैन हियर हर कॉल कैटल होम अक्रॉस द सेंड ऑफ डी, एंड नाउ शी वॉज नो मोर, शी वॉज नो मोर एंड शी रॉन, बट स्टिल एंड राइट नाउ वेन एवर द बोटमैन गो टू द सी, वेन टू द सी, दे हर्ड हर वॉइस दैट कॉल द कैटल होम अक्रॉस द सेंड ऑफ डी. उन्हें अभी भी उन बोट्समैन, जब भी वो बोटमैन जाते हैं अभी भी समुद्र में जब जाते हैं, तो उन्हें हमेशा उनको पता है कि लड़की लड़की मर चुकी है, उन्होंने देखा है उसको सामने सामने मरते, लेकिन अभी भी उनको उन लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और वहाँ समुद्र में जब भी वो जाते हैं उसकी आवाज़ को सुनते हैं. दैट्स ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स.